फिर उसके बाद जो है हम लोग कुछ खाना वाना खा के फिर उसके बाद हम बहन लोग। अरे गैस में आग लग गई क्या है? कितने साफ अक्षरों में यहाँ पे लिखा गया पीने का पानी। पानी का तो कहीं कोई अता पता भी नहीं है। और इसके ऊपर एंट्रेंस है, ये मेन गेट है। और मेन गेट जो है किन किन के लिए है वो आप वहाँ मतलब ट्रेन पर गाय माल जाल जो है सारे उनके 3 घंटे पहले से ही जो है मतलब इसको खोल दिया जाता है। और एक ओनली वन ये ट्रैक है, तो एक ओनली वन ट्रेन है जो कि आपको जो है सहरसा टू कहाँ है इधर शांति सुकून वाला यहाँ का माहौल है, देख सकते हैं आप। यहाँ कोई भीड़ भीड़ भी नहीं है। और साफ सफाई के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसको जो कम से कम 80% जो है यहाँ पर साफ साफ सफाई आपको इधर देखने को मिली। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अल्लाह की दुआओं से हम बहुत ही अच्छे हैं। वेल अभी मैं कहाँ हूँ इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। और इस आज का जो ब्लॉग है, आज का ब्लॉग थोड़ा सा क्या कहते हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे वो आप थंबनेल के अकॉर्डिंग तो आप पहचान ही गए होंगे, जान ही गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो गाइस हम हो चुके हैं तैयार और ये हमारा भाई आपको फिर से एक बार लेके चलेगा। एक बार हेलो कर दीजिए। हेलो। ज्यादा गर्मी है? हाँ बहुत ज्यादा गर्मी भाई साहब। ये देखो हमारा काम देखो भाई साहब, इसका जो नहा नहा लियो पसीने से। सो वेल तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते जहाँ लेके जाएंगे अभी हम आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो फैली गाइस आपने देखा अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राघोपुर। तो वेल ये यहाँ की जो सारी देखते हैं ये जो सेट बना हुआ है और ये सेट के अंदर में ये सारी जो बैठने के लिए ये बनाया गया है, जो कि हमारा भाई जो है काफ़ी थक चुका है। मतलब धूप इतनी तेज पड़ रही है ना कि जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, रास नहीं हो पा रहा है कहीं बाहर निकलना इस सेट से। तो वेल यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सारे कौवे लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ। अभी अभी हम इनको उड़ाएंगे, अभी उड़ो। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ मतलब इसको खोल खोल के जो है लोग इस पे डाल दिए हैं। अब पता नहीं यहाँ लोग मतलब क्या करते हैं यहाँ पे, इसको चौकी बना दिए हैं इसको। और इसका जो टाइम टेबल है गाइस, ये ट्रेन यहाँ से कब कब खुलती है, कब निकलती है, क्या कोस्ट है, वो सब अभी हम जाएंगे जहाँ पे केबिन बना हुआ है, जहाँ पे इसका जो ऑफिस बना हुआ है, टिकट काउंटर जहाँ है वहाँ हम सबों को अभी हम आप सबों को लेके चलेंगे अभी। सो वेल अब चलते हैं अंदर में। ये मेन गेट है और मेन गेट जो है किन किन के लिए है वो आप वहाँ वो वहाँ भी देख सकते हैं आप। ये मेन गेट जो है मतलब ट्रेन जाएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ से निकलने के बाद जो है फर्स्ट में बाएं साइड से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे यात्री आरक्षण प्रणाली यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अनारक्षित टिकट करना है, मतलब यहाँ से जो है आप यहाँ से टिकट कटवा सकते हैं है अपना। और जो टिकट का जो दाम है वो यहाँ पे एक बार यहाँ पे फोकस करी जाए। यहाँ पे टोटल घट जारी करने के लिए मतलब रेल जब खुलने वाली होती है तो उसके 3 घंटे पहले से ही जो है मतलब इसको खोल दिया जाता है। और एक ओनली वन ये ट्रैक है, तो एक ओनली वन ट्रेन है जो कि आपको जो है सहरसा टू कहाँ है इधर सहरसा टू जो है ललित ग्राम के लिए मतलब ट्रेन आती है ओनली वन टाइम, सिर्फ मॉर्निंग के टाइम में। और जो कि इस तरह यहाँ टिकट काउंटर जो भी देख सकते हैं आप, तो अभी ये बंद है। अभी एकदम शांति सुकून वाला यहाँ का माहौल है, देख सकते हैं आप। यहाँ कोई भीड़ भीड़ भी नहीं है। और साफ सफाई के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसको जो कम से कम
80% जो है यहाँ पे साफ साफ सफाई आपको इधर देखने को मिलेगा इधर। और बाकी गाइस मैं यहाँ के बारे में बता दूँ, यहाँ पे एकदम सुख शांति है, यहाँ पे कोई शोर गुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन टाइम के लिए ट्रेन यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास में। 30 रुपया टिकट का जो प्राइस है, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया है, और वहाँ हमने अपनी बाइक को खड़ी कर दी है। और ये क्वार्टर है इधर, यहाँ से लोग बाहर भी निकलते हैं और इस साइड से अंदर भी आते हैं। और ये ऑफिस है राघोपुर का, ये चैम्बर यहीं पे जो है देख सकते हैं आप, ये कंप्यूटर रूम है यहाँ पे। और फिर उसके बाद तमिलनाडु की एक बाइक है, फिर उसके बाद ये OFSC रूम है, और एक प्यारा सा कैंटीन है। तो अभी हम लोग जाएंगे कैंटीन में, तो कुछ खाने की नहीं, कुछ पीने की सबसे ज़्यादा इच्छा हो रही है, क्योंकि धूप में हलक सूख गया है और टेम्परेचर मेरे हिसाब से 31-32 के आसपास होना चाहिए अभी का, 34 जो है आराम से होगा। और बाकी यात्रीगण लोग कम दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो बंजारन है, जो लोग बाहर से आते हैं, मतलब टेंट डाल के लोग काम वाम करते हैं, वो लोग यहाँ आके बैठते हैं। तो देख सकते हैं आप, यात्री कम और यहाँ के जो मतलब जो बंजारन लोग जो होते हैं, जो जड़ी बूटी और जो बेचते हैं, वो लोग वहाँ आराम कर रहे हैं, फिर वहाँ पर आराम कर रहे हैं। फिर ये कैंटीन भी है, और यहाँ पर जो आग बुझाने के लिए जो है, अगर कोई हताहत होती है तो आग बुझाने के लिए जो है यहाँ पर जो है ये फायर, ये बाल्टी में जो देख सकते हैं आप, मिट्टी विट्टी जो है रखा गया है। और चलते हैं अभी इस कैंटीन में, कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद जो आगे की चीज़ है सब है, वो सारी चीज़ जो है हम आपको दिखाएंगे यहाँ क्या है क्या नहीं है और क्या होना चाहिए। ये लोग कमेंट में एक बार जरूर बताया गया कि यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का जो ये जो स्टेशन है, वो आपको कैसा लगा वो आपको। तो वेल, ये अंकल जी से हम अभी बात कर रहे थे, और जो है अंकल जी बताए हैं अभी कि यहाँ मतलब जो ट्रेन का जो टाइमिंग है वो अंकल जी यहाँ पे बताया अभी। तो अंकल जी की दुकान से जो है अभी बहुत ज़्यादा तेज गर्मी है अभी, तो अभी हम लोग कम क्या लोगे तुम हैं। खूबसूरत सा ये कैंटीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम साफ 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 सफाई, नीट एंड क्लीन है यहाँ पे। रेलवे की तरफ से, हाँ, ये रेलवे की तरफ से जो है ये काउंटर, ये मतलब ये जहाँ रेलवे स्टेशन जहाँ होती है वहाँ ये दिया जाता है। और इसका जो क्या, इसमें जो भी मेन मार्केट का जो प्राइस है उससे कम रहा करता है या फिर उससे ठीक सेम ही रहा करता है। हमारे भरता फेरी को लग गई है प्यास, तो अभी लेंगे पानी, सॉरी कोल्ड ड्रिंक जो है वो लेंगे अभी। तो अंकल जी से बात करेंगे और अंकल जी से जानना चाहेंगे कि अंकल जी आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब कब से हैं इस दुकान में। 1997 से हैं आप, मतलब आप ही मतलब इसको बंद करते हैं, खोलते हैं, सारा काम हम सब कुछ जो आप ही करते हैं। आप छोटी लाइन में भी हमारा दुकान था। अच्छा, तो गाइस ये हमारे अंकल जी बहुत ही पुराने हैं, बहुत जो है सब कुछ हमारा, ये स्टेशन कैसे बना और कहां कहां से क्या क्या ये सब, मतलब टोटल ग्रो इसका जो है हमारे अंकल जी अपने आंखों से इसको देखे हैं, बनते हुए और टूटते हुए भी। तो अंकल जी के साथ एक दिक्कत है, तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे ओनली वन एक ट्रेन है जो कि मॉर्निंग में ही है, तो मॉर्निंग से लेकर के शाम तक जो सुबह में 1-9 बजे बस ग्राम के लिए, फिर वही वापस आता है। अच्छा, और फिर उसके बाद से कहीं कोई ट्रेन नहीं है। और मतलब ट्रेन का मतलब ये है कि इनके दुकान का जो कस्टमर वो ट्रेन के लिए ही लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, यहाँ से कुछ खाते पीते हैं। तो ऐसा हाल है अभी यहाँ का। तो क्या बोलना चाहेंगे सरकार से, क्या बोलना चाहेंगे कि दो गो तीन गो हम तो कुछ नहीं सरकारी काम करें। तो मैं ही अपील करना चाहूँगा, ढेड़ी गाड़ी चले और हमारा जो ये क्या कहते हैं ये राघोपुर स्टेशन जो है ये थोड़ा सा जो क्या कहते हैं ये इसका काम बढ़े और लोगों की कमाई बढ़े, तो यही चाहेंगे। और यही जो है सरकार से अपील है कि जो हमारा सरकार है वो यहाँ के ही नहीं, हमको लगता है मैक्सिमम यहाँ के बाद भी जो है ना एक तो यहाँ के बाद भी ना स्टेशन प्रतापगंज है, उसके बाद ललित गांव है। हाँ, तो वहाँ का भी वही हाल होता होगा हर जगह का। हाँ, तो ये दिक्कतें हैं। तो चलिए फिर आगे लेके चलते हैं आपको, यूँ ही बने रही हमारे साथ। तो आज देखा भी आपने, हमने अंकल जी से बात करी और मतलब हम आपको जो गाँव का, समाज का, शहर का जो पॉपुलर जो स्पेस है सब है, हम वो सारी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं।
तो हमारा ये फर्ज होता है कहाँ क्या चीज़ हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ चल रहा है, तो ये हमारा फर्ज होता है ये हम आप तक ये लेके जाए। तो गैस अगर ये हमारी मेहनत आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक गैस। और इस स्टेशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप, अपना जो ओपिनियन है एक बार वो भी टाइप करें, वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। और वेल अभी दिन के बज चुके हैं 3:30, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे फिर से कॉलेज पे, फिर कॉलेज से फिर उसके बाद जो है हम लोग कुछ खाना वाना खा के फिर उसके बाद हम बहन लोग जो है, अरे गैस में आग लग गई क्या है? गैस में आग लग गई थी अभी, हाँ गैस में आग लग अभी आग लग। तो गाज अभी वहाँ लोग बैठे हैं, आदिवासी लोग हैं वहाँ पे, वहाँ वो लोग बैठे थे खाना बना रहे थे अभी, और वो लोग जो है गैस में आग लग गई थी, तो लोग भी भाग रहे थे अभी, लेकिन एम वक्त पर जो है गैस की आग जो है वो उस बंदे ने बुझा ली अभी। रेलवे ट्रैक के बारे में बता दूं मैं, रेलवे ट्रैक यहाँ पे 3 गो है, हम जहाँ हैं वो 1 है, फिर वो 2 है, वो 3 है, मतलब यहाँ पे तो 3 तो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और इसे चेक करो गाइस, सिस्टम है यदि ये चेक करो गाइस, हमको तो हंसी आ रहा है, मतलब चांपा कल रेलवे के ओर से था और इसका कल जो है ये ऊपर का इसका जो हैंडल है वो गायब है, और ये देखिए कितने साफ अक्षरों में यहाँ पे लिखा गया है पीने का पानी का तो कहीं कोई अता पता भी नहीं है, और इसके ऊपर में जो ये टोटी वोटी जो भी था इसमें सब कुछ जो है खोल खाल के लोग जो है लेके चले गए भाई साहब। यहाँ चेक करो पूरा खाली है, कहीं कोई नहीं, और ज़बरदस्त यहाँ हवा जो है वो मालूम पड़ रही है। नहीं आप लोग काम करिए आप लोग। तो यहाँ जो है यहाँ के बारे में बता दूँ, एकदम पूरा पीसफुल प्लेस है, मतलब मॉर्निंग में 8-9 बजे के आसपास यहाँ भीड़ रहा करती होगी, फिर उसके बाद यहाँ कोई भीड़ एकदम से नहीं है। गाइस अगर कहीं कोई हमारे व्लॉगिंग में कहीं कोई कमी है, कहीं कोई त्रुटि है, तो प्लीज़ जो है उसको डोंट माइंड करें और हमें बताएं, ताकि जो है हम उस चीज़ को ठीक करें, क्योंकि मैं वेल एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं हूँ। मैंने अभी ये 2-4 महीने पहले ये स्टार्ट करा है, तो कहीं कोई गलती हो तो अपने भाई को भाई समझ करके जो है फुल सपोर्ट करें, और जो कमी है वो हमें एकदम खुल के बताएं, ताकि हम उसको ठीक करें और आपके अकॉर्डिंग जो है वो वीडियो बनाएं हम। तो बस प्यार चाहिए बस आप लोगों का, काहे कि गलतियों से ही लोग सीखते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे जो व्लॉग है उसमें क्या गलती है। गाइस हमें स्टेशन पर देखी है छोटी सी प्यारी सी बच्ची, और हम इसका नाम जानना चाहेंगे। ये देखो क्या नाम है तुम्हारा, डर कह रही हो रे तुम, गए डर कह रही हो, अब तुम आ गई फ़ोन में, अब तुम चली जाओगी अंदर जेल के अंदर। तो फाइनली गाइस अब हम यहाँ की जितनी भी एक्सप्लोरिंग थी वो हमने कर दी है। तो वेल अब दिन के बज चुके हैं 4, अब मात्र 1 घंटा के बाद जो है छुट्टी होने वाली है कॉलेज में छुट्टी होने वाले, बिकॉज हाँ कॉलेज के लिए ही हम घर से आए थे राघोपुर, क्या कहते हैं KND कॉलेज, तो पास में हमें लिखा ये रेलवे स्टेशन, तो हम दोनों भाई ने ये चाहा कि एक बार इसको एक्सप्लोर करें अच्छे से, तो आज जो है हमने ये कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप सबों को हमारी आज की ब्लॉग जो अच्छी लगी होगी गाइस। तो वेल अब यहाँ से निकलते हैं, हमारी एक्सप्लोरिंग अच्छी लगी हो, क्योंकि अभी जो है अभी मैं ब्लॉग का एंड नहीं करूँगा, अभी कॉलेज जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से जब घर निकलेंगे फिर उसके बाद सोचेंगे अभी। सो वेल अब यहाँ से निकलते हैं कॉलेज, और वहाँ यहाँ है एग्जिट पॉइंट है ये, ठीक है? और यहाँ हमारी ब्लैक पैंथर है, अब इसको ले करके फिर उसके बाद हम दोनों भाई यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए आ चुके हैं कॉलेज पे, अभी से एक घंटा भी और बाकी है, अभी देखते हैं अभी, और इधर ही जा रहे हैं कोई कल वल पे मुँह हाथ धोएंगे, फिर उसके बाद जो है कहीं कोई छायादार वृक्ष के नीचे जो है थोड़ा आराम करेंगे। यानी कि बेल बज चुकी है और हो चुकी है छुट्टी, और यहाँ बाहर में बैठे हैं हम भी बाहर में बाइक पे। सो वेल अभी ये कॉलेज का गेट है ये, तो वहाँ से वो आती है, फिर उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे एक होटल में, तो आज हम लोगों का खाने का मन है, आज खाएंगे हम लोग बिरयानी खाएंगे आज। तो वेल अभी तो अलहमदिल्ला हम लोगों ने खा लिया है, सो वेल अब यहाँ से निकलते हैं घर।
टाइम चेक करो, टाइम बज गया 7:45 और मैं अभी जस्ट आया हूँ। अभी जस्ट आया ही नहीं कि मेरे फ़ोन में कॉल चला आया कि भाई दुकान पे हो। तो अभी मैं जस्ट जो है मुँह हाथ धो के चाय वाय पी के फिर उसके बाद यहाँ से निकलूँगा दुकान। और आशा करता हूँ कि आप सबों को आज की हमारी ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर जरा से भी अगर आज की ब्लॉग हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। तो वेल गाइज, मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय हिंद, जय भारत, सब्बा खैर, फी मानिल्ला, लव यू गाइज़।